हुआ महाभारत का युद्ध तो मरे बहुत बलधारी और अंत हुआ तो लगे सोचने मनमोहन कृष्ण। यहां देखिए आप, महाभारत का युद्ध चल रहा था और क्या हुआ कि बर्बरीक का सिर काटकर एक पर्वत के ऊपर रख दिया। बर्बरीक ने कहा कि महाराज मेरी इच्छा थी कि मैंने मुझे पूरा महाभारत देखना है। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम यहीं से महाभारत देखो और सर काट के एक पर्वत के ऊपर रख दिया। जैसे युद्ध समाप्ति के बाद जब भगवान कृष्ण ने पूछा बर्बरीक से कि बर्बरीक अरे जब लड़ते थे दोनों दल तुमने कहा बर्बरीक तुमने सब कुछ देखा है क्यों तुम्हारी इच्छा थी लेकिन एक बात बताओ जब लड़ते थे दोनों दल तो विजेता कौन है ऐसा इसलिए पूछा क्यों कि पर्वत शिखर से तुम अकेले सब कुछ निहारा कर ले कौरव पांडव बलधारी दोनों के शौर्य का अरे तुम सब नजारा करते थे तुम सब निहारा करते हुआ क्या कौन जीता कौन हारा कौन मरा और किसने देखिए आप कहा बर्बरीक ने कहा महाराज अरे की कौरवों ने छल की जो करनी और की है जो करनी तो होगी उनको भरनी। मैंने जो देखा मैं स्पष्ट बताता हूं क्या कि किया उत्पात तो सुन लो ये बात कि एक लाल को मिलके मारे साथ कहा बर्बरीक ने कहा महाराज अरे जब धोखे से संहारा करते थे तो हम सब निहारा करते ओ, हम सब निहारा करते जब धोखे से संहारा करते थे तो हम सब निहारा करते महाराज मुझे तो उस समय का दृश्य भी मालूम है जब दुर्योधन छिपकर पानी में बैठा था कि दुर्योधन जब छिपा पानी में छिपा क्यों कि पानी रहा ना अभिमानी में पानी रहा ना अभिमानी में
तो होके बेकल रहू निश्चल, और हुआ जब भी छल तो मरे निश्चल। मैंने सब कुछ देखा महाराज, लेकिन मुझे इतना भी मालूम है कि ये सब जो मरे हैं, अरे तुम ही तो इशारा करते थे, ए हम सब निहारा करते, ओ हम सब कहने का तात्पर्य केवल इतना है, कर कर के जब रण की तैयारी, मरे कर्ण से वीर बड़े तपधारी, और गए दुर्योधन से अत्याचारी। कहा कि महाराज अगर आप कहें तो मैं बिल्कुल शोर नहीं करूंगा, किसी से नहीं कहूंगा आपके बात, लेकिन आपसे कहना कि करूंगा ना शोर, करें कृपा कोर, और मैंने श्याम को ही देखा, देखा दोनों, मैंने ये देखा भी मरते थे उन्हें अरश्याम ही तो मारा करते, ये कीर्तन का प्रोग्राम आप चंद्रभूषण पाठक के स्वर में पवन कैसेट ललितपुर के माध्यम से सुन रहे हैं। इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं राजू कुशवाहा। इच्छुक गायक कलाकार अपनी भी ऑडियो वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग कराने हेतु 091979023 पर संपर्क करें।